बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ राना अदनान और आप देख रहे हैं राना अदनान यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो खेला गया उसके ऊपर, पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला गया जिसमें इंडिया ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी। तो पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, जो कि वो दोनों अर्ली आउट हो गए, कुछ ज़्यादा स्कोर ना कर सके। बाबर आजम 0 पे आउट हुआ और उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी 4 स्कोर बना के बाद आउट हो गया। उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद आए, शान मशहूद आए और इफ्तिखार अहमद ने इनिंग्स का आगाज़ किया। उन दोनों ने अच्छा खेल पेश किया, एक दोनों ने 50 स्कोर किए, टीम को एक अच्छा मोमेंटम बना के दिया, एक अच्छा बुनियाद बना के दे दी अच्छी। लेकिन उसके बाद जो प्लेयर आए उनके आउट होने के बाद जो प्लेयर आए, मोहम्मद आसिफ, शादाब खान, उन्होंने इस मोमेंटम को कंटिन्यू ना कर सके और वो भी 2-4 स्कोर बना के आउट हो गए। अगर उसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाता तो स्कोर अच्छा खासा बन सकता था, 180-190 के करीब स्कोर बन सकता था। लेकिन ये भी शाहिनशाह अफरीदी की मेहरबानी जो उन्होंने 16 स्कोर कर दिए और उसके बाद हारिस रूफ ने एक छक्का लगा दिया और पाकिस्तान का स्कोर 159 बन गया। तो उसके बाद इंडिया ने बैटिंग का आगाज़ किया जो कि उनका भी आगाज़ बेहतर ना था। इसका जो रोहित शर्मा और केएल राहुल वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद विराट कोहली आए, उन्होंने आके टीम को आगे चलाया, रन्स को बढ़ाते रहे। उसके साथ पांड्या था, पांड्या ने स्कोर को साथ आगे बढ़ाया। कोहली और पांड्या की अच्छी खासी पार्टनरशिप कायम हुई जिसकी वजह से फिर इंडिया का जो इंडिया वापस मैच में आ गई और इंडिया एक बेहतर पोजीशन में आ गई। लेकिन उसके बाद फिर पांड्या आउट हुआ, पांड्या आउट होने के बाद फिर उनका दिनेश कार्तिक आया, दिनेश कार्तिक भी फिर आउट हो गया और विराट कोहली अपने उसी क्लास को अपने रन को लेकर चलता रहा जो कि इंडिया के लिए एक अच्छा साबित हुआ। विराट कोहली ने 82 रन बनाए और विराट कोहली ने बताया कि मैच ऐसे जीता जाता है क्योंकि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली और अपने इस इनिंग के ज़रिए इंडिया को मैच जितवा दिया। तो नाज़रीन, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।